फ्रेंड्स, मैं मोनिका, आपकी गार्डनर दोस्त। आज आपसे बात करूंगी ऐसे प्लांट्स के बारे में जो कि शैलो पॉट्स में लगते हैं। शैलो पॉट्स मतलब जो गहरे पॉट्स नहीं होते, वो प्लांट्स शैलो पॉट्स में इसलिए लगते हैं क्योंकि उनकी रूट्स शैलो होती हैं। मतलब ज़्यादा गहरी रूट्स नहीं होती हैं, छोटी रूट्स होती हैं उनकी। तो ऐसे प्लांट्स की बात करेंगे जिनको आप छोटे छोटे शैलो पॉट, जैसे ये है, देखिए ये शैलो पॉट है, इसकी गहराई ज़्यादा नहीं है। इस तरह के आजकल सेरेमिक जो छोटे छोटे पॉट्स आते हैं, अब जैसे इनको भी आप शैलो पॉट ही मान सकते हैं क्योंकि इसकी गहराई बहुत कम है। तो इस तरह के प्लांट्स की आज हम बात करेंगे जो शैलो पॉट्स में लग सकते हैं। तो सबसे पहला और बहुत अच्छा प्लांट जो शैलो पॉट्स में लगता है, जिसकी जड़ें शैलो होती हैं, गहरी नहीं होती हैं, वो है, ये देखिए, सेंसिवेरिया। ये देखिए, सेंसिवेरिया को आप शैलो छोटे से पॉट में, ये देखिए, सेंसिवेरिया की जड़ें कम होती हैं, तो सेंसिवेरिया को आप छोटे से, जो ज़्यादा गहरा नहीं हो, ऐसे पॉट में बहुत आसानी से लगा सकते हैं। ये वाला भी देखिए, छोटे से पॉट में लगा हुआ है, इसकी रूट्स शैलो नहीं होती, शैलो होती हैं, गहरे ही नहीं जाती हैं। तो ये बहुत अच्छा प्लांट है उगाने के लिए शैलो पॉट्स में। फिर मैं बात करूँगी, ये देखिए, मेरा फेवरेट प्लांट, जेड प्लांट। जेड को भी आप शैलो पॉट्स में लगा सकते हैं। इसकी जड़ें भी, इसकी जड़ें ऐसी होती हैं, अगर आप इसको छोटे से पॉट में लगाओगे तो वो उसमें ही एडजस्ट हो जाती हैं, और गहरे पॉट में लगा दोगे तो थोड़ी गहरी भी चली जाएंगी, तो ये शैलो भी ग्रो कर जाता है। तो ये बहुत अच्छा प्लांट है, मतलब शैलो पॉट में, इतने से पॉट में भी, छोटा सा, ये जो मेरी उंगलियों के बीच में जगह बन रही है ना, यू शेप, इतने से छोटे से पॉट में भी मैं जेड को लगा लेती हूँ और बहुत अच्छी तरह ग्रो करता है। बस इसकी ये बात है जेड की, कि इसको आपको इंडोर नहीं रखना है। इंडोर भी रखें तो ऐसा किसी विंडो वगैरह के पास में रखें जहाँ पे इसको ब्राइट सी रोशनी मिले। अब ये देखिए, ये वाला पौधा मेरा ऐसी जगह पड़ा था जहाँ रोशनी थोड़ी कम मिल रही थी, ग्रीन नेट के नीचे भी। तो ये देखिए, इसकी ये देखिए ब्रांचेस ऐसी लेगी लेगी हो गई हैं ना, ये देखिए, घनी घनी नहीं लग रही हैं, ये देखिए, यहाँ से बिरली बिरली लग रही हैं, इसकी भी देखिए बिरली हो गई हैं, क्योंकि ये ग्रीन नेट के नीचे ऐसी जगह पड़ा था जहाँ पर धूप नहीं आ रही थी, रोशनी तेज नहीं आ रही थी ग्रीन नेट के कारण। तो इसके लिए मेन कंडीशन ये है कि इसको सुबह की धूप अच्छी मिल जाए या खूब तेज रोशनी सारा दिन मिले, तो ये जेड शैलो पॉट्स के लिए बहुत अच्छा है। एक ये देखिए, मैंने एलोवेरा की एक वैरायटी लगाई हुई है, ये देखिए, ये पॉट भी जो है वो गहरा है, तो ये अच्छा प्लांट है शैलो पॉट्स में लगाने के लिए। ये नोलिना पाम अच्छा प्लांट है, ये देखिए, नोलिना मैंने शैलो पॉट में लगाया हुआ है। अगर आपको इस तरह से लगाना है इंडोर में, तो नोलिना बहुत अच्छा प्लांट है शैलो में लगने के लिए। एलोवेरा बहुत अच्छा रहता है, ये देखिए, ये मेरा एक एलोवेरा, ये एलोवेरा नॉर्मल तो नहीं है, एक वैरायटी है। मेरे पास जो मेन प्लांट है उसमें से ये छोटा सा बेबी प्लांट निकाल के मैंने इस गमले में लगाया है। इसको पानी ज़्यादा नहीं चाहिए, बारिश में ध्यान रखेंगे आप। अगर ये इतना हाफ भी हो ना पॉट, इतना भी, तो इसमें भी एलोवेरा बहुत अच्छा लग जाता है। और एक जो है अगेव, अभी मैंने दिखाती हूँ आपको, वो सामने उसमें लगा हुआ है, दिया अगेव। ये वह गर्मी से इसकी ये नीचे की ये सूख गई है, ये मैं हटा दूंगी। अगेव जो है, इसकी जड़ें तो मैं ये नहीं कह सकती हूँ कि छोटी होंगी, शैलो रूट्स होंगी, लेकिन ये शैलो पॉट्स में भी आप छोटे से छोटे गमले में भी अगर इसको लगा दें, शैलो में भी लगा दें, इतने से गहरे गमले में भी अगर आप इसको लगा दें, तो ये आपका पौधा चल जाता है, उसमें बहुत अच्छी तरह ग्रो करेगा। पानी इसको बहुत कम चाहिए, लेकिन ये शायद इंडोर लेगी हो जाता है। इसको ज़्यादा रोशनी वाली जगह में आप कोई विंडो वगैरह के पास रख सकते हैं, नहीं तो बरांडे वगैरह में ये अच्छा चलेगा जहाँ रोशनी अच्छी आती है। मेरे भी देखिए, यहाँ पड़ा हुआ है, ऊपर से कवर्ड है, लेकिन यहाँ थोड़ी सी धूप मिलती है इसको दिन में एक बार, तो ये अच्छा चलता है ऐसे में। अब देखिए, ये मैं दिखाऊँ आपको, ये छोटे छोटे गमलों में मेरे लगे हुए हैं, ये इसके अंदर मैंने ये प्लास्टिक के गमले डाले हुए हैं, ये देखिए। अब ये गमला अगर आधा भी गहराई का होता ना, तो भी ये अच्छी तरह लग जाते। तो ये जेड का बता रही हूं मैं आपको। ये जो दो प्लांट्स आप देख रहे हो एक गमले में लगे हुए, ये है
पर्पल हार्ट्स, ये देखिए ये बहुत छोटे से शैलो से पॉट में, ट्रे जैसे किसी पॉट में आप लगाएं, बहुत अच्छा चलेगा, हैंगिंग बास्केट में अच्छा चलेगा, सिंगोनियम छोटे छोटे पॉट्स में बहुत अच्छा चलता है। इसकी जड़ें भी बहुत ज़्यादा डीप नहीं होती हैं, शैलो होती हैं, और ये कम गहरे पॉट्स के लिए अच्छा है। एक देखिए आपको मैं दिखाऊँ, ये देखिए सिंगोनियम की तो ये ड्वार्फ वैरायटीज बहुत आती हैं, ये देखिए छोटी छोटी ड्वार्फ वैरायटीज आती हैं, ये छोटी वैरायटीज, ये छोटी ही रहती हैं और ये शैलो पॉट्स के लिए बहुत अच्छी रहती हैं, इनकी जड़ें छोटी रहती हैं, तो ये प्लांट्स बहुत अच्छे रहते हैं। और ये देखिए ये एक एलोवेरा की वैरायटी है, देखिए ये देखिए कितने शैलो पॉट में लगाई हुई है मैंने, देखिए तो ऐसे ये छोटी छोटी जो है, ये हवॉर्थिया की एक वैरायटी है, हवॉर्थिया जो है वो भी शैलो पॉट में अच्छा चलता है, ये एक वैरायटी है हवॉर्थिया की, इसमें देखिए नीचे छोटे छोटे बेबी प्लांट्स भी आ रहे हैं, ये देखिए, तो ये ऐसे हवॉर्थिया की वैरायटीज आप लें वो अच्छी चलेंगी। और कुछ फाइलोडेंड्रॉन्स ऐसे होते हैं कि वो भी शैलो पॉट्स में अच्छे चलते हैं, ये मैंने फाइलोडेंड्रॉन ऑक्सीकार्डियम इसमें कटिंग एक लगाई हुई है इसकी, तो ये ऑक्सीकार्डियम की जो है, ये ऑक्सीकार्डियम नहीं, मेरा मतलब फाइलोडेंड्रॉन आप कोई भी ले लेंगे, आप मनी प्लांट छोटा सा लेंगे, और दिखाती हूँ चलिए आपको मैं, ये देखिए मनी प्लांट है, मनी प्लांट की रूट्स भी शैलो होती हैं, बहुत ज़्यादा गहरी नहीं जाती हैं, तो मनी प्लांट जैसे ये तो मैंने, मेरे पास लंबा गमला था, अगर ये गमला इतना सा भी होता ना, छोटा सा ये ऊपर ऊपर का हिस्सा, इतना भी होता तो इस मनी प्लांट के लिए ये सफिशियंट था, तो इसलिए ये जो आपको मैंने पौधे बताए हैं ये शैलो पॉट्स में बहुत अच्छी तरह चलते हैं। ये जीजी देखिए, जीजी भी ये इससे भी शैलो पॉट में, अगर ये गहरा कम होता गमला तो भी जीजी भी शैलो पॉट में बहुत अच्छा चलता है। ये ड्वार्फ वैरायटी है जीजी की, ये स्पेशली अच्छी चलेगी छोटे वाले में, अगर आप बड़े ड्वार्फ गमले में लगाना चाहते हैं तो जीजी की थोड़ी बड़ी वैरायटी आती है वो भी अच्छा चलता है, ये ड्वार्फ गमलों में जीजी प्लांट्स, इनकी जड़ें जो हैं वो शैलो होती हैं। एक स्पाइडर प्लांट बहुत अच्छा चलता है, कितने भी छोटे से और शैलो से पॉट में आप लगा दो, ये अभी शैलो को अभी रुक देखिए, स्पाइडर प्लांट है ये, स्पाइडर प्लांट भी शैलो पॉट में, इससे भी आधी लेंथ हाइट का भी होता है ना ये, तो उसमें बहुत अच्छा चल जाता है। स्पाइडर प्लांट को क्या होता है, इसको बहुत गहरे पॉट में लगाते हैं तो इसकी जड़ें नीचे भी जा सकती हैं, लेकिन इसको अगर हम शैलो पॉट में, छोटे से पॉट में लगाते हैं तो इसकी जड़ें उसमें भी अपनी जगह बना लेती हैं, तो छोटे में भी उग जाता है ये, तो ये जो पौधा है ये भी शैलो पॉट में अच्छी तरह से उग जाता है। तो ये कुछ प्लांट्स के नाम मैंने आपको बताए जो शैलो पॉट्स में बहुत अच्छी तरह से लग जाते हैं। तो बस अब मौसम आ गया है, अगर आपको इस मौसम में अपने इंडोर प्लांट्स को शैलो पॉट्स में लगाना है या बरांडे वाले पौधों को लगाना है तो आप बहुत अच्छी तरह से लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और ये दिखाऊँ आपको जो मैं रेड सॉइल हटा के जो मैंने पाम लगाया था, देखिए कितनी अच्छी तरह चल रहा है ये, और ये पाम जो है ना बिल्कुल धूप में पड़ा हुआ है, 11-12 बजे के बाद इसमें धूप आ जाती है और अच्छा चल रहा है, देखिए ये आप लोग कहते हैं ना मर जाता है अगर रेड सॉइल हटा दें, तो ये देखिए खूब अच्छी तरह चल रहा है। तो ओके फ्रेंड्स बाय।